कांग्रेस से लेकर बीजेपी, टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, अपनी अपनी पार्टी के लिए हर नेता, हर बड़ा चेहरा प्रचार में लगा हुआ है। एक दूसरे की कमी और अपनी ताकत बताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आखिर चुनाव में जीतने का सपना तो हर पार्टी ने सजा कर रखा ही है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हैरान कर देने वाला दावा हो रहा है। दावा ये कि उन्होंने कांग्रेस के लिए रखी गई रैली में मोदी सरकार की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े हैं। यह दावा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो शेयर किया जा रहा है। सिर्फ दावा ही नहीं, सबूत भी पेश किया जा रहा है। सबूत के तौर पर वायरल किया जा रहा है उनका 32 सेकेंड का एक वीडियो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप भी सुनिए ये वायरल बयान, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है। फैक्ट चेक में इसकी पूरी कहानी समझिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है, तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। सुनने वाले अपने कान पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। जहां कांग्रेस को फेवर करने वाले हैरान परेशान हैं, वहीं बीजेपी सपोर्टर खुशी से झूम रही है कि अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही बात की और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ऑफिशियली एक्स अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया। साथ में उन्होंने लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले सदन में कहा कि अब की बार बीजेपी का नारा 400 पार पूरा होने जा रहा है, और अब मध्य प्रदेश के बदनावर में खड़गे ने राहुल गांधी की मौजूदगी में एक और सच्चाई स्वीकार कर ली कि मोदी जी के राज में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई कम हुई है। आखिर कांग्रेस को भी सच्चाई का एहसास हो रहा है, ये चीज शेयर कर लिखा गया। लेकिन सवाल था कि क्या वाकई में खड़गे ने मोदी सरकार की तारीफ की है, क्या ये खड़गे बोले हैं या फिर ये कोई फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पहले भी उनके कई बयानों को गलत संदर्भ के साथ पेश किया जा चुका है। सच्चाई के लिए जरूरी था हमें इस वीडियो का फैक्ट चेक करना, जो मैंने किया। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमने की फ्रेम सर्च की मदद ली, जिसमें पता चला कि वीडियो 6 मार्च 2024 का है, जब मध्य प्रदेश के धार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी। यहां खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर खूब हमला बोला था। हमें कांग्रेस के यूट्यूब पेज पर वो भाषण भी मिला, जिसका एक हिस्सा लेकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। वीडियो में 13 मिनट पर वही हिस्सा सुनाई देगा जिसे गलत दावे के साथ पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार क्यों डर रही है, क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है, हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे, ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है, तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं,
वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि खड़गे ने कम नहीं कब शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि खड़गे बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कब हुई, और खुद ही जवाब देते हैं कि मोदी जी के जमाने में हुई। सारे फैक्ट चेक में खड़गे के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा इस तरह से बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। उन्होंने भाषण में मोदी सरकार की तारीफ नहीं की है, इसलिए न्यूज तक भी आपसे अपील करता है कि चुनाव के इस मौसम में फेक न्यूज से आप सावधान रहें और ऐसी कोई भी खबर पर आप विश्वास न कर लें। आपको भी अगर लगता है कि कोई फेक न्यूज वायरल हो रहा है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में जाकर टैग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके सच्चाई मुझे जानना है, तो फैक्ट चेक में आपको उस चीज का फैक्ट चेक करके आपको सही जानकारी दी जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।